स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया है। तो क्या है ये पूरा मामला और इससे संबंधित सवाल जो कि यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के स्पेशल गेस्ट और यूपीएससी फील्ड में आईआर के जाने माने एक्सपर्ट और यूपीएससी कोच मिस्टर विकास सरन सर से। विकास सर, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया? Why did Iran has attacked Pakistan? Yes, अगर हम बात करें जो ongoing tension क्रिएट हुआ है, ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान को और इसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान को, तो अगर हम रीजन की बात जाने तो इसके दो व्यूज आ रहे हैं। पहला व्यू ये है कि ईरान ने ऐसे ग्रुप्स को टारगेट किया जो एंटी ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप है और जो पाकिस्तान से एक्टिव है, और इसके साथ साथ कई सारे इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स भी हैं जो ईरान जो कह रही है कि अटैक करती है, तो उनको उन्होंने टारगेट किया है और इसकी वजह से उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान के अंदर। बट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, दो पॉलिटिकल इनस्टेबल, बट इट इज मच मोर कैपेबल देन द ईरानियन आर्मी एंड द डिफेंस फोर्सेस। पाकिस्तान को भी अपनी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को दिखाना था, तो पाकिस्तान ने भी रिस्पांस में ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में अटैक किया है और उसने रीजन दिया है कि ये एंटी पाकिस्तान टेरर ग्रुप को उन्होंने मारा है जो कि है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्म फोर्सेज। तो ये कुछ रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि ईरान काफी ज्यादा ऑनगोइंग टेंशन और प्रॉब्लम से पास हो रहा है और रिजिम काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। ईरानी लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान पर, ताकि लोगों का जो ईरान गवर्नमेंट पर प्रेशर है वो कम हो और लोगों का परसेप्शन चेंज हो। ये कुछ रीजन थे जो कि ईरान के और पाकिस्तान के ऑनगोइंग टेंशन से जिसकी वजह से क्रिएट हुए। वंडरफुल सर, थैंक यू। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसका वेस्ट एशिया रीजन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है आपका और ये हमारी पर्सपेक्टिव को भी ब्रॉडन करता है अगर हम इसको जाने तो। तो जैसा कि हमें पता है, वेस्ट एशिया रीजन ये काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल रीजन है, इंटरनल राइवलरी है और इसके साथ अफगानिस्तान का पहले इशू था, फिर यूएस छोड़ के गया अफगानिस्तान को, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं तालिबान रूल चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अपने टेंशन है, अपनी राइवलरी है सऊदी अरेबिया के साथ, उसके साथ साथ इसराइल का हमास के साथ वॉर चल रहा है और इसमें यही रीजनल कंट्री इन्वॉल्व नहीं है बल्कि कई सारी मेजर कंट्री भी इन्वॉल्व है जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है। तो जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट से यूएस का और इजराइल का सपोर्ट रहा है ईरान को वीक करने का, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे चाइना और रशिया का सपोर्ट रहा है ईरान को सपोर्ट करने का इस रीजन के अंदर। तो एक जियोपॉलिटिकल गेम भी खेला जा रहा है इसी के पीछे। तो ये पूरे रीजन को इनस्टेबल इसलिए क्रिएट कर सकता है क्योंकि इजराइल ऑनगोइंग वॉर विद हमास, एंड इसके साथ साथ इजराइल काफ़ी प्रिपेयर्ड है और ईरान को अटैक करने के लिए, और ईरान ने हमेशा ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट और थ्रेटन किया है इसराइल की सिक्योरिटी को। तो ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सी है यमन, यमन में जो हौती रेबल्स हैं वो भी रेड सी के अंदर जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसको उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, और जो एक ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है वो भी डिस्ट्रप्ट हुई है। तो बोथ जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड सिक्योरिटी इस रीजन में इसके रेपरकशन होंगे। ग्रेट सर। सर इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है, हाउ कैन दिस टेंशन अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन? अगर हम बात करें इंडिया की इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में। तो अगर हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की, ऑलमोस्ट 80% हम जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं इसी रीजन से करते हैं। फिलहाल के कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव सोर्सेज पर काम कर रही है और अल्टरनेटिव एवेन्यू को सर्च करें, जैसे रशिया के साथ हम ऑयल ट्रेड कर रहे हैं और भी कई सारी कंट्रीज के साथ, बट अभी भी तकरीबन 70-80% जो भी हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है इसी रीजन से आता है, और ईरान एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। तो एनर्जी सिक्योरिटी अगर रीजन इनस्टेबल रहा, इन फाइटिंग शुरू हुई, तो हमारी एनर्जी जो सप्लाई हो रुक सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इंडिया को, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और हमारी इकोनॉमी को जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उसको हॉल्ट कर सकता है और कई तरीके से दूसरे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि वेस्ट एशिया रीजन में हम देखते हैं नियर अराउंड 7 मिलियन इंडियन डायस्पोरा रिसाइड करती है, और अपने हिसाब से दे आर प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन वर्कर, दे आर डूइंग देयर जॉब, एंड वो एक बहुत ही बड़ी संख्या में रेमिटेंसेस इंडिया को भेजते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज के लिए
तो हमारी डायस्पोरा की सिक्योरिटी और ये रेमिटेंसेस ये भी खतरे में आ सकते हैं और इंटायर रीजन जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंडिया के हर तरह के जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के कोर इंटरेस्ट है, डायस्पोरा की सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, सब पे एक गहरा प्रभाव कर सकता है। तो ये मेरे कुछ पर्सपेक्टिव है इंडिया के इंटरेस्ट को लेके ऑनगोइंग टेंशन ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमें। दोस्तों, इस मुद्दे को हमने अच्छे से समझ लिया है, अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सर, इस मुद्दे का क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि रीजन में स्टेबिलिटी आए? यस, स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर नहीं होगा तो इसका रेपरकशन पूरे वर्ल्ड में होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल रोल निभाने की जरूरत है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर, बिग पावर जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया और वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन इंडिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इसराइल हो, ईरान हो, सबको एक साथ काम करने की जरूरत है और ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन को भी बहुत ही प्रोडक्टिव एंड काफी पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है, जिसमें सबके इंटरेस्ट को देखा जाए और ऐसे सिचुएशन पर लाया जाए जिसमें किसी का नुकसान ना हो और रीजन के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार है। हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और इस रीजन के अंदर इंडिया का इंटरेस्ट काफी डीप एंड कोर इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया रीजन के अंदर, और अगर इनस्टेबिलिटी है तो बिल्कुल फेवर नहीं करता इंडिया के इंटरेस्ट को और काफ़ी नुकसान हो सकता है इंडिया को। तो इंडिया बिल्कुल चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। अगर बात करके इंडिया क्या कर सकता है, तो इंडिया एक बहुत ही क्रेडिबल कंट्री है। इंडिया का ईरान के साथ अच्छी दोस्ती है, इसराइल के साथ अच्छी दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छी दोस्ती है, ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे के राइवल है और इंडिया के साथ सबके साथ दोस्ती, तो इंडिया एक काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है वहाँ के अंदर। जैसे एक ग्राउंड क्रिएट करना जहाँ पे इसराइल आ सके, ईरान आ सके, सऊदी अरेबिया आ सके और सब लोग स्टेबिलिटी की बात करें और जो एंटी टेरर ग्रुप है उनके खिलाफ बात करें, कोऑपरेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें और इसके साथ साथ जैसे कुछ अकॉर्ड जो साइन हुए, अब्राहम अकॉर्ड है, इस पे काम किया जाए ताकि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट हो, ट्रेड हो, कॉन्फिडेंस आए लोगों के अंदर, कंट्रीज के अंदर राइवलरी कम हो और एक अच्छे वे में, सस्टेनेबल वे में, सिक्योर वे में वो रीजन ग्रो करे जिसका फायदा सबको हो और ऑब्वियसली इंडिया को तो होगा ही और इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी काफी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच विकास सर कि आपने इतनी बेहतरीन इनसाइट इस टॉपिक पर हमें दी है जिससे डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच टू द सिलेक्शन आईएएस टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय नॉलेज एंड विजडम रिलेटेड टू द इंटरनेशनल अफेयर एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम 2024 एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल। डियर स्टूडेंट, देयर इज वन मोर कॉन्टेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस ईयर 2024। सो द लोकेशन ऑफ द रीजन that is Iran, important city, major water body and some geographical feature like desert, lakes, rivers are very important for the prelim exam. So it is advisable to the student to locate all these important features, water bodies, different borders, important cities, geographical features for their prelim exams. अगर हम बात करें mains के context तो mains में हमारे पास GS2 में इस पर कई तरह के questions बन सकते हैं, जैसे कि ये ongoing West Asia का tension किस तरह से India के interest को harm करता है और क्या challenges आता है इंडिया के इंटरेस्ट को लेके इस रीजन में। तो मेंस के लिए स्टूडेंट ध्यान रखें कि इसको थोड़ा होलिस्टिक वे में, मल्टी डायमेंशनल वे में चीजों को समझने की कोशिश करें ताकि वो अपना पर्सपेक्टिव ला पाए एग्जाम्स के अंदर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू सिलेक्शन आईएएस। थैंक यू।